भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा संचालन समिति गोरखपुर मंडल की बैठक पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में गोरखपुर क्लब के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नोएडा के विधायक पंकज सिंह, गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित 5 लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके तथा माल्यार्पण करके किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की भारी बहुमत से जीत की रणनीति बनाई गई। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने तथा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी, नोएडा के विधायक माननीय पंकज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और काशी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय रत्नाकर जी, से आग्रह करूंगा कि पंडित आज इस बैठक के मौके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से आग्रह करूंगा कि सामूहिक वंदे मातरम करके स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय पंकज सिंह जी को जो हमारे गोरखपुर क्षेत्र के प्रति स्वागत के करूंगा, यहाँ माननीय बंसल जी को कुछ कुछ लेकर के स्वागत और अभिनंदन के प्रभारी माननीय पंकज सिंह जी को स्वागत करके अभिनंदन करें। देवरिया से भी मैं आग्रह करूंगा कि माननीय रत्नाकर जी को, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी को गोरखपुर महानगर सहित सभी 5 जनपदों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्षगण, श्रीमान राहुल श्रीवास्तव जी, जनार्दन तिवारी जी, अरुण शुक्ल जी, जयप्रकाश शाही जी, महेंद्र यादव जी, सभी के सदस्यगण, सभी लोकसभा संचालन समिति, सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष, जनपद के सभी 5 अभियानों के सभी प्रमुखगण, विस्तारक करके मजबूत टीम खड़ी करना।
से आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, भारत माता की बंधुमान, भारतीय जनता पार्टी की समन्वय समिति की बैठक में हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश समिति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री और नोएडा से विधायक, गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी माननीय पंकज सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा इस पूरी बैठक के गोरखपुर क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन पुष्प रूप देकर के करें डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। आग्रह करूंगा कि दूसरे सत्र में आगामी योजना लोकसभा संचालन समिति के कार्य और उनकी भूमिका इस द्वितीय सत्र अपनी आज की इस बैठक में मुख्य रूप से चार मुद्दों पर चर्चा होगी। एक, अपने तक अपने संगठन की वर्तमान में क्या स्थिति है, लोकसभा संचालन समिति की बैठक 27 सितंबर को मुझे प्रदेश अध्यक्ष के साथ में स्वयं कमिश्नरी की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मंडल की बैठक में था